हेलो गाइस, कुंभ स्नान तो हो गया है। अब मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं और स्नान तो काफ़ी अच्छे से हुआ और काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। हम 4:30 बजे हरिद्वार पहुंच चुके थे और हमने अभी कुंभ स्नान कर लिया है और अभी शायद 5:15 बज रही है और ये मनसा देवी का प्रवेश द्वार आ चुका है। वाव, जय मनसा देवी की। अब यहाँ से हम पैदल पैदल मनसा देवी जाएंगे क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं और हमारे पास टाइम भी है। मनसा देवी जाने के लिए आपके पास ट्रॉली की भी व्यवस्था है जो रूप वे बना हुआ है, यहाँ वहाँ से भी आप जा सकते हैं और जिसे ट्रॉली में जाने में दिक्कत है वो बाइक और स्कूटी की भी यहाँ व्यवस्था है। पर पर्सन 50 रुपीज़ लेते हैं बाइक में एक राउंड का, वो भी आपको ले जा सकते हैं। हम थक चुके थे तो हमने सोचा कुछ देर आराम कर लिया जाए। हम तीनों यहाँ आराम कर रहे हैं, सिद्धार्थ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हरिद्वार का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे जैसे हम मनसा देवी के लिए ऊपर जाएंगे वहाँ से हरिद्वार का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। बोझे में कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बोझे में कैसे महसूस हो रहा है? ये है रूपवे, ये देखिए जा रही है ऊपर ट्रॉली। यहाँ काफ़ी अच्छे से साफ सफाई रखी हुई है और जो भी यहाँ जाए मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप भी स्वच्छता बरकरार रखें। यहाँ पे पैदल आने वालों के लिए जगह जगह पे देखिए वो चेयर्स भी बना रखी है रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि बाइक और स्कूटी से आप सबको ड्रॉप किया जाए, पर अब है और उसका ओनली चार्ज है 50 रुपीज़ 2 पर्सन है पर बाइक पे और आपको 1 टाइम का चार्ज है। वो आपको प्रसाद यहाँ पे हर जगह अवेलेबल होगा, आप चाहें तो हरिद्वार से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको रास्ते में मिलेगा और आपको मंदिर के अंदर भी प्रसाद मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हरिद्वार का व्यू काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए आप, वाव, वो गंगा नदी है। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आ चुका है मंदिर, ये देखिए आप। जो हमारी वीडियो पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए।